क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ, मैथ का हम सेकंड पार्ट कर रहे थे, उसमें से चैप्टर 3 ट्रायंगल, ट्रायंगल का अभी 17 पार्ट है। 17 पार्ट में हम आज एक एग्जांपल देखने वाले और बाद में हमारा प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट में एग्जांपल आने वाला, तो इसलिए मैं आपको ये समझा के दे रही हूँ। तो ये जो क्या है सिमिलरिटी, जो ट्रायंगल हमने कल की प्रॉपर्टी देखी है उसके ऊपर यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया है, तो वो प्रॉपर्टी का यूज करके हम वो जो एग्जांपल है वो कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये हम देखेंगे। तो एग्जांपल है, सम इंफॉर्मेशन शो इन ट्रायंगल एबीसी एंड पीक्यूआर, ऑब्जर्व इट हैज, फाइंड द लेंथ ऑफ साइड एसी एंड पीक्यू। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं दिया है, डायग्राम में आपको इन्फॉर्मेशन दी है कि क्या क्या दिया हुआ है। तो ट्रायंगल है ए बी सी, फिर ट्रायंगल है पी क्यू आर। तो एक ट्रायंगल ए बी सी में जो बी आई वाला एंगल है वो कितना 90 डिग्री का है, जो पी क्यू आर में है वो क्यू कितना 90 डिग्री का है। फिर जो यहाँ पे इसे राउंड राउंड करके आपको दिया है, इसका मतलब क्या है कि जो एंगल ए है उतना ही डिग्री का एंगल क्या है यहाँ पे पी है। फिर यहाँ पे ए बी की वैल्यू दी है 3 सेंटीमीटर, फिर पी आर की वैल्यू दी है 7.5 सेंटीमीटर, बी सी की दी है 4 सेंटीमीटर एंड क्यू आर की दी है 6 सेंटीमीटर। तो ऐसे आपको इन्फॉर्मेशन इन डायग्राम में दी है। तो हमने क्या कर लिया, पहले जो डायग्राम में दिया था वो लिख लिया, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल कितना है 90 डिग्री का है, सेगमेंट बी सी क्या है यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है, तो हमने 4 सेंटीमीटर लिख ली। फिर कौन सी है सेगमेंट ए बी कितनी है 3 सेंटीमीटर है। फिर इन ट्रायंगल पी क्यू आर, क्यू 90 डिग्री है ये हमने लिख लिया, सेगमेंट पी आर है 7.5 सेंटीमीटर एंड सेगमेंट आर क्यू है 6 सेंटीमीटर। फिर हम यहाँ पे हमें क्या दिखता है कि यहाँ पे जो है राउंड करके दिया है, जिसका मतलब क्या होता है कि एंगल ए जो है वो क्या एंगल बी के बराबर, ठीक है। फिर हमें क्या ये पता है कि ट्रायंगल के जो ऑल एंगल के सम होते हैं वो कितनी होते हैं 180 डिग्री होती है। ये इस चैप्टर का फर्स्ट थ्योरम था, सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो देखिए इससे क्या पता चलता है कि यहाँ पे तो साफ दिख रहा है कि बी 90 डिग्री का है, क्यू 90 डिग्री है, तो बी एंगल बी और क्यू क्या हो गया सेम होगा, ये भी 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है। और ये हमें एग्जाम्पल में दिया है कि ए जितना है उतना ही पी है, तो हमने क्या लिखा एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी एंड एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू। तो अभी दो एंगल सेम है, तो जो थर्ड वाला है वो भी सेम ही रहेगा, जो एंगल सी और आर है, ये सी और ये आर है, तो ये भी क्या होंगे सेम ही होंगे। तो इसकी वजह से क्या हो गया कि जो ट्रायंगल एबीसी है और ये पीक्यूआर हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो देयरफॉर जैसे हमने सिमिलैरिटी की प्रॉपर्टी देखी थी कि एंगल अगर सेम हो, एंगल अगर सेम हो तो जो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड होती है वो भी क्या होती है सेम होती है। तो हमने क्या लिखा ए बी डिवाइडेड बाई पी क्यू इक्वल्स टू बी सी डिवाइड बाई क्यू आर इक्वल्स टू ए सी डिवाइड बाई पी आर। ये जो यहाँ पे ए सी है वो पी आर के बराबर होगी, फिर ये जो बी सी है वो क्यू क्यू आर के बराबर होगी, और जो भी ए बी है वो क्या है पी आर पी क्यू के यहाँ पे बराबर होगी। ये हमारी करस्पॉन्डिंग साइड की थ्योरम थी, मतलब एंगल अगर सेम हो तो उसकी जो करस्पॉन्डिंग साइड होती है वो भी क्या होती है प्रोपोर्शन होती है, इक्वल उनका जो रेशियो होता है वो इक्वल आता है। तो उसकी वजह से हमने क्या लिखा कि अभी हमें जो जो दिया है वो हमें निकालना क्या है ए सी और पी क्यू हमें निकालना है। तो हमने क्या लिखा यहाँ पे ए बी की वैल्यू डाली कितनी है 3 सेंटीमीटर है, तो 3 सेंटीमीटर डाली, हमें पी क्यू निकालनी है तो पी क्यू को वैसे ही लिख लिया। फिर यहाँ पे बी सी जो है बेस 4 सेंटीमीटर है, फिर क्यू आर बेस वो 6 सेंटीमीटर है वो लिख लिया। फिर यहाँ पे ए सी है, ए सी यहाँ पे हमें निकालनी है, फिर जो हमारे इस ट्रायंगल की पी आर थी वो कितनी थी 7.5। तो अभी हमें क्या करना है पी क्यू और ए सी हमें फाइंड करना है। तो अभी क्या करेंगे कि पहले ये वाली साइड लेंगे, ठीक है, ये 3 डिवाइड बाय पी क्यू इक्वल्स टू 4 डिवाइड बाय 6। पहले इनका कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि अगर हमारे पास 3 सेंटीमीटर है यहाँ पे ये निकलना है, फिर यहाँ पे 3 वैल्यू दी है तो ये वैल्यू हम निकाल सकते हैं ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो पहले हम क्या लेंगे 3 डिवाइड बाय पी क्यू इक्वल्स टू 4 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 6, और बाद में क्या लेंगे ये वाली लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम ये करते हैं, हमने लिख लिया पी क्यू मल्टीप्लाई 4 इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई 6। तो पी क्यू मल्टीप्लाई 4 इक्वल्स टू 3 6 कितने होते हैं 18 होते हैं। फिर यहाँ पे हम क्या दिख रहे हैं कि ये जो पी क्यू है वो क्या है मल्टीप्लाई में, इस साइड में जाएगा तो वो क्या हो जाएगा डिवाइड में चला, ये जो 4 पी क्यू के साथ जो 4 है वो क्या है डिवाइड में, तो इस साइड जाएगा तो वो
डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ पे पी टू क्या हो जाएगा, फिर इक्वल्स टू 18 डिवाइड बाय 4, यहाँ पे मल्टीप्लाई में था ये आ गया तो डिवाइड हो गया। तो अभी क्या करेंगे, 4 से 18 को डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा कितना आता है, पी क्यू इक्वल्स टू 4.5, ये हमारी पी क्यू की वैल्यू निकल गई। फिर हमें ए सी निकालना, तो ए सी निकालने के लिए उसके आगे की साइड लेंगे, सिमिलरली 4 डिवाइड बाय 6 इक्वल्स टू ए सी डिवाइड बाय 7.5। तो अभी यहाँ पे भी हम क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब ए सी को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, फिर ये 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 7.5 से। तो अभी यहाँ पे ए सी मल्टीप्लाई 6, इसकी वैल्यू कितनी आती है, 300 आती है, इसका मल्टीप्लाई 300 आता है, लेकिन यहाँ पे एक जो नंबर पॉइंट है वो एक नंबर के पहले है, तो इसलिए यहाँ पे जैसे उसका वैल्यू निकलता है मल्टीप्लाई करने के बाद, और जो हम पॉइंट दे देंगे वापस, तो यहाँ पे पॉइंट आता है, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे सिर्फ 30 लिखेंगे। तो इसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 डिवाइड बाय 6, यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई में थे इस साइड गए, तो क्या हो गया, डिवाइड में चले गए, तो इसी इज इक्वल टू 30 डिवाइड बाय 6। तो हमारे एसी की वैल्यू कितने है, 6 5 कितने होते, 30 होते, देयरफॉर पी क्यू इक्वल्स टू 4.5 सेंटीमीटर एंड ए सी इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, यही हमें निकालना। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सिमिलैरिटी की प्रॉपर्टी यूज करके हमने जो है दो जो रिमेनिंग साइड थी वो इसकी हमने फाइंड करी, क्या क्या आपकी एंगल इक्वल दिखाई थी उसकी उसके उसके ऊपर हमने क्या किया, जो करस्पॉन्डिंग एंगल की जो प्रॉपर्टी थी उसके हमने साइड इक्वल दिखा दी, और ये हमने पूरा कैलकुलेशन करके ऐसे सॉल्व कर दिया। अभी प्रैक्टिस सेट देखिए, प्रैक्टिस सेट 3.5, प्रैक्टिस सेट 3.5 का फर्स्ट एग्जांपल है, इफ एंगल एक्स वाई जेड सिमिलर ट्रायंगल एलिमेंट। तो यहाँ पे आपको दिया है कि एक्स वाई जेड क्या है, सिमिलर है, राइट द करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ द टू ट्रायंगल, इन ट्रायंगल के आपको क्या लिखने हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल लिखने हैं, एंड ऑल्सो द राइट द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड। जो हमने एक्टिविटी दी है, एक्टिविटी की थी कि उसके ऊपर हमने सिमिलर ट्रायंगल होंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल कौन से निकलेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियोज क्या होंगे वो हमने देखा था, तो वही यहाँ पे इस्तेमाल करना है हमें। तो यहाँ पे क्या दिखा है, एक्स वाई जेड ये सिमिलर है किसके साथ, एलिमेंट के साथ। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, डायग्राम ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, ये एक्स वाई जेड, और बोल रहे कि सिमिलर है तो एक जैसा ही निकालेंगे, फिर एल एम एम। तो यहाँ पे क्या है कि जो जो पहले क्या है कि करस्पॉन्डिंग एंगल निकालेंगे, पहले लिख लेंगे गिवन क्या है हमें, ट्रायंगल एक्स वाई जेड सिमिलर ट्रायंगल एल एम एम, देयरफॉर करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएगी उसके, जो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ पे देखिए एक्स है, तो एक्स किसके साथ करस्पॉन्डिंग होगा, एल के साथ, ठीक है। फिर ये जो वाई है वो जेड के साथ, और फिर ये आप ये एम के साथ, वाई एम के साथ, और ये जेड है वो एन के साथ। तो हम लिख लेंगे एंगल एक्स इक्वल्स टू एंगल एल, फिर ये एंगल वाई इक्वल्स टू एंगल एम, एंड लास्ट का जो एंगल है यहाँ पे जेड एंगल जेड इक्वल्स टू एंगल यन। तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल है वो क्या है, इक्वल है, ठीक है। फिर हमें यहाँ पे निकालने रेशो के, रेशो निकालने उनके साइड के, जो करस्पॉन्डिंग साइड होंगे उसके, द रेशो करस्पॉन्डिंग साइड। तो देखिए ये जो y एक्स वाई है वो किसके साथ करस्पॉन्डिंग होगा, यहाँ पे एल एम के साथ। फिर ये जो बेस है वाई जेड वो किसके साथ करस्पॉन्डिंग होगा, एम एन के साथ। फिर ये यहाँ पे एक्स जेड है ये वाली एल एम के साथ यहाँ पे करस्पॉन्डिंग होगी। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे उनके रेशो लिखने हैं, फिर एक्स वाई डिवाइड बाय ये जो एक्स वाई है वो किसके साथ, एल एम के साथ, फिर इक्वल का साइन। फिर यहाँ पे बेस लिखेंगे, बेस कितना है यहाँ पे, वाई जेड इक्वल्स टू एम एन, और लास्ट वाली एक्स जेड डिवाइडेड बाय एल एन, यही हमें लिखना था। सिर्फ हमें यहाँ पे क्या दिया है कि ट्रायंगल क्या है, दो सिमिलर है
ये हमें यहाँ पे दिया था, फिर उसके ऊपर हमें सिर्फ करस्पॉन्डिंग एंगल निकालने थे कि जो एक्स है वो किसके साथ करस्पॉन्डिंग होगा, इक्वल होगा, फिर वाई किसके साथ इक्वल होगा। फिर हमने क्या किया, तीनों एंगल एक दूसरे के साथ दोनों ट्रायंगल में से एंगल वाले हमने इक्वल लिखे, फिर उनके रेशियो लिखे। ठीक है, तो अभी जो सेकंड वाला एग्जाम्पल है वो जो हमने स्मॉल एग्जाम्पल देखा उसके ऊपर ही डिपेंड है, तो वो आपको इजिली करना आएगा। सेकंड वाला जो एग्जाम्पल है प्रैक्टिस सेट का वो भी इसकी तरह ही, आपको सिर्फ यहाँ पे साइड निकालनी है, तो ऐसे आपको कैलकुलेशन करना है उसका भी, आपको ये पूरा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है। ओके, थैंक यू।